नमस्कार, मैं स्पेशल टीचर अनोखी ब्लॉक पलवल डिस्ट्रिक्ट पलवल हरियाणा से। मैं आज आपको कमीज के बटन खोलना व बंद करना सिखाऊंगी। एक्टिविटी शुरू करने से पहले हम कुछ निम्न बातों पर चर्चा कर लें, जैसे कि जहाँ पे हम बच्चे को क्लास दे रहे हैं वो हेल्दी वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो, खुला व स्वच्छ होना चाहिए, जो बच्चा है वह साफ़ सुथरा होना चाहिए, बच्चे की बैठने की जगह प्रॉपर होनी चाहिए, ना ज़्यादा नीचे होनी चाहिए ना ज़्यादा ही ऊपर होनी चाहिए, बच्चे का पेट भरा हुआ होना चाहिए। अगर बच्चा भूखा होगा तो वो अपनी एक्टिविटी में कंसंट्रेट नहीं करेगा और बच्चे के सामने बार बार खाद्य पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जिस बच्चे को हम कोई एक एक्टिविटी सिखा रहे हैं उस एक्टिविटी में केवल एक ही एक्टिविटी लें, ना कि और दूसरी एक्टिविटी भी जोड़ दें। अगर हम दूसरी एक्टिविटी को उसके साथ इन्वॉल्व कर देते हैं तो बच्चा उससे डिस्टरबेंस हो जाएगा, ना वो पहली एक्टिविटी सीख पाएगा ना ही वो दूसरी एक्टिविटी सीख पाएगा। एक एक्टिविटी सीखने के लिए बच्चे को केवल एक ही मटेरियल दें, उसके सामने बहुत सारे मटेरियलों की लाइन ना लगाएं। अगर हम सारे मटेरियल रख देंगे तो बच्चा कभी किसी सामान को उठाएगा, कभी किसी सामान को उठाएगा और वो प्रॉपर नहीं सीखेगा। और एक्टिविटी शुरू करने के लिए अब हम तैयार हैं। मेरे पास एक घर का बना हुआ जैकेट है जो मैंने कभी बहुत पहले बनाया था। ये मेरे पास एक पुरानी जीन्स पड़ी हुई थी, उसको कट करके और ये कलरफुल मैंने इसमें बटन भी लिए थे, इसमें मैंने दो पॉकेट भी लगाए थे, और ये मैंने मोटे कपड़े का लिया है जिससे बच्चा इसको बार बार इधर उधर ना कर सकेगा। बच्चे को बिल्कुल अपने सामने ही बिठाएं और बच्चे के सामने ये जैकेट इस तरीके से रख दें। जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो पहले उसको बटनों को लगा कर दें। बच्चे को बटन लगाना और खोलने में बहुत फ़र्क है। बच्चा बटन को खोल जल्दी लेता है और लगाएगा उसको देर से, तो हम पहले बच्चे को बटन खोलना सिखाएंगे। बटन खोलने के लिए हम बच्चे को बोलेंगे, बेटे इसको ऐसे इसमें से इसे बाहर खींचो और इस बटन को ऐसे इसमें से क्रॉस कर दो, तो बच्चा इस चीज़ को जल्दी से सीखेगा और खोल देगा। इससे दूसरा कराएंगे, बच्चा इसको भी इसी तरीके से करेगा और बच्चे को बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें जो मैंने बटन लगाए हैं वो बड़े ही सुंदर और कलरफुल हैं और मोटे भी हैं, जिससे अगर बच्चे को ग्रिप में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी बच्चा आराम से कर लेगा। फिर हमें बच्चे से ये नहीं बोलना है कि तुम इसमें लगाओ, क्योंकि हम उसे केवल खोलना ही सिखा रहे हैं पहले, तो फिर हम उसको पहले लगा के देंगे। ऐसे मैंने चारों बटन को लगा दिया है। फिर बच्चे को बोलेंगे दोबारा से कि बेटा इसको दोबारा से खोलो, तो बच्चा फिर से करेगा। जो टाइम हमने फिक्स किया है, मान लो हमने बच्चे को कोई भी एक्टिविटी 10 मिनट की करानी है या 5 मिनट की करानी है, तो हमें वो 5 मिनट तक ही करानी है, ना कि हम बच्चे के ये बेटे ये पकड़ो और तुम ये करते जाओ, ऐसे नहीं करना। उसके साथ बैठना है और उसको 5 या 10 मिनट तक एक्टिविटी पूरी करानी है। अगर हम बीच बीच में उठ के बार बार आते जाते रहेंगे तो बच्चा डिस्टर्ब होगा और वो सीखेगा नहीं, और वो जो हमारा मटेरियल है उसको भी इधर उधर फेंक देगा। तो मेरी एक्टिविटी आपको कैसी लगी, आप सभी मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।